प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको लॉज ऑफ मोशन में मैं पढ़ा रहा था कॉन्स्टेंट्स रिलेशन, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट वाले में मैंने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स डिस्कस किया था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पुली ब्लॉक्स, जिसमें एक पुली होगी और ब्लॉक्स होंगे, वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो मूव करने को मजबूर होंगे। जब कभी भी मैं इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ लॉज ऑफ मोशन में, तो जो फोर्स का इक्वेशन एफ इक्वल टू एम में, उन सबको लगाने के बाद, ठीक है, मुझे एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो मुझे यहाँ से मिलता है। ठीक है भाई, मान लो आपने कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स रिलेशन इन्वॉल्व हैं, तो दो इक्वेशन अगर मिल गया, हम तीन अननोन वेरिएबल निकालना है मान लो, तो दो इक्वेशन तो फोर्स वाले से मिल गया, तो तीसरा कहाँ से आएगा? तो तीसरा यहाँ से आएगा। तो इसको हम समझते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम एक्सलेशन वेलोसिटी को रिलेट करना सीखेंगे। बेसिकली इमेजिन कर लो कि ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और ये स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है। ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, ये वाली जो है स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। अगर मान लो इसका एक्सलेशन A1 इधर है और मान लो इसका एक्सलेशन A2 इधर है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रिक, ठीक है। इसको कई तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, पर ये जो सबसे इफेक्टिव मेरे हिसाब से तरीका है, वो एक ट्रिक्स है जिसको बोलते हैं सिग्मा टी डॉट ए। सिग्मा समेशन ऑफ द टेंशन इक्वल टू जीरो। अगर आपको वेलोसिटी रिलेट करना है तो सिग्मा टी डॉट बी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इस वाले रिलेशन को यूज करके, ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, सभी नहीं कर सकता, कहीं कहीं ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो जितना हमें ज़रूरत होता है उतना लगभग लगभग हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखो मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि अगर टेंशन वेरिएबल हो गया तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हर में टेंशन टी के टर्म में रहना चाहिए, तो टेंशन टी के टर्म में आना चाहिए। चलो तो सबसे पहले अगर मैं इस पर लगाता हूँ, इस वाले ब्लॉक पर, तो इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन इस पॉइंट पर टी है, तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर है, तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन और इस ब्लॉक का एक्सलेशन मैं रिलेट करना चाहता हूँ, समझना। इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन रिलेट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ब्लॉक का एक्सलेशन रिलेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिग्मा टी डॉट ए इस ब्लॉक के लिए लगाऊंगा, तो इस ब्लॉक के लिए लिखो, देखो इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर है, एक्सलेशन इधर है, तो डॉट प्रोडक्ट है ना यार, टी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर जीरो है टी डॉट ए, तो ये आ जाएगा टी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एक्सलेशन और टेंशन के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर एक्सलेशन और टेंशन के बीच का एंगल थीटा जीरो है, और यहाँ पर ब्लॉक पे एक्सलेशन इधर है और टेंशन इधर है, तो थीटा 180 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये आ गया ए टू, ये आ गया टी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस पे अगर लगाता हूँ, तो देखो इस पे लगाता हूँ तो टी ए कॉस जीरो, और इस पे लगाता हूँ तो माइनस टी ए टू कॉस प्लस 180, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों पे लगा दिया मैं। अब देखो टेंशन कैंसिल तभी होगा जब टेंशन टी के टर्म में रहेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं लगेगा यार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए वन बराबर है ए टू के। तो इनमें अगर एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट है, तो इसमें भाई एक्सलेशन आपस में बराबर होगा, इसकी वेलोसिटी इसके इक्वल होगी, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होगी, ठीक है ना। अब इसी को हम दूसरे पुली और ब्लॉक्स में देखते हैं। तो अगर मैं कैसे लगाऊं, देखो एक बार अगर सीख जाओगे तो तुम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, और अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे, पूरा लेक्चर देख लोगे, तो तुम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं कैसे करूँगा, मैं बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आया हूँ यार आपके लिए ना। तो चलो, तो यहाँ पे ये जो है एक ब्लॉक है और इसका एक्सलेशन ए वन है डाउनवर्ड, और ये जो दूसरा ब्लॉक है, यहाँ से जो दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है, वो एक्सलेशन ए टू से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का एक्सलेशन रिलेट करना है, ठीक है। तो रिलेट करना, तो सबसे पहले मैं टेंशन लिखूंगा। टेंशन इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन टी रहता है, ये बात हमको पता है। अभी नीचे आ रहा है, इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ टी ए माइनस टी ए,
और समेशन है सिग्मा टी डॉट ए, इन दोनों के लिए लगा देता हूँ। तो सिग्मा टी डॉट ए अगर इन दोनों के लिए लगा दूँ तो इस वाले पे टेंशन ऊपर है, ब्लॉक पे टेंशन ऊपर है, एक्सलेशन ऊपर है, तो यह आ जाएगा प्लस टी ए टू दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब आ जाएगा ए वन बराबर ए टू। मैग्नीट्यूड में ए वन और ए टू आपस में इक्वल होंगे यार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी इस रिलेशन को लगाओगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नीचे मान लेते हो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम इधर मैकेनिक्स में इधर जब हम ब्लॉक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हम समझ में नहीं आता कि कौन किधर जा रहा है। तो उस वक्त अगर मान लो मैंने एक किसी ब्लॉक का डायरेक्शन नीचे अज्यूम कर लिया, ठीक है, और उस वो मेरा जो अजम्पशन है एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद प्लस आया तो हमारा अजम्पशन सही है, ठीक है। अगर वो निगेटिव आया तो उसके उल्टे हो जा रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, साथ साथ ये रिलेशन ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टेंट में, वो यहीं से आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक तो ये यूज करूँगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में यूज करूँगा। दूसरा, कभी कभी पुली मूव करती है, तो पुली मूव करती है तो मूवेबल पुली में, मूवेबल पुली, तो पुली अगर मूव करती है, इधर जो पुली यूज हो रही है वो कोई नॉर्मल पुली नहीं है, वो मासलेस और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, इस टाइप की पुली है। तो अगर मान लो एक पुली है, वो पुली की वेलोसिटी वी पी है, वी पी से ऊपर जा रही है, एक्सलेट कर रही, मूव कर रही, बात बराबर है, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक अटैच है, ये ब्लॉक ये मास एम वन का है और एक दूसरा ब्लॉक है वो मास एम टू का है, तो ये भी कहीं जा ही रहे होंगे आपस में, ठीक है। तो चलो, तो हमने अभी अभी अगर बी वन बी टू मान लो ये बी वन से ऊपर जा रहा और ये बी टू से नीचे आ रहा, ठीक है, चलो ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली ये इस पॉइंट पी और ये यहाँ पर ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये एक्स वन, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती यार, ठीक है भाई। अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये डिक्रीज करेगा, बट एक्चुअल जो ये लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये जो लेंथ है वो ऐसा नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर का है तो कुछ टाइम बाद ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये ब्लॉक उधर आएगा तो ये जो एक्स टू लेंथ है वो एक्स टू लेंथ तो फिक्स रहेगा ना। अगर इनिशियल स्टेज से ऐसे मैं छोड़ूंगा तो एक्स टू लेंथ क्या है, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है दैट इज कॉन्स्टेंट, दिस लेंथ इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि पुली के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस पोजिशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसमें जो भी स्ट्रिंग देखो, ये अगर ये भी यहाँ भी स्ट्रिंग आई है उसको भी काउंट कर लोगे, बट उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस ए ये सारा मिलके कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको भी काउंट कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स, ये वाली लेंथ एक्स है तो वो जोड़ोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो दिस लेंथ और दिस लेंथ एंड दिस लेंथ ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक फार्मूला आपको देना चाह रहा हूँ जिसमें ये वाली जो कॉन्सेप्ट है मूवेबल पुली में बहुत अच्छे से लगती है, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये चला जाएगा जीरो और ये चला जाएगा डी वाई अपन डी टी दैट इज एक्स एक्स वन पी प्लस डी वाई डी टी दैट इज एक्स टू पी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली, है ना। देखो ये क्या बता रहा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, हम पढ़ के आए हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर मस्ट बी मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट होंगे। अगर मैं इस देखो अगर मैं इसके फ्रेम से देखूं, इस पुली पे चढ़ जाऊं, पुली के फ्रेम से देखूं और पुली के फ्रेम से ऑब्जर्व करूं, तो अगर ये वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से मुझे ऊपर आता हुआ नज़र आएगा तो ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जर्वर को नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। ये बता रहा कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू पुली, पुली के रिस्पेक्ट में ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है। अब यहीं से मुझे वेलोसिटी ऑफ द पुली मिल जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ पुली
यहाँ से लिख सकते हो बी वन माइनस बी पी इज इक्वल टू माइनस बी टू माइनस बी पी, लिख सकता हूँ ना मैं इतना, ठीक है, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। इसका मतलब बी वन माइनस बी पी इज इक्वल टू माइनस बी टू प्लस बी पी। इसका मतलब ये हुआ कि बी वन प्लस बी टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पुली। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कई सारे न्यूमेरिकल में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ द पुली विथ वेलोसिटी ऑफ पुली एग्जैक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ पुली बी वन प्लस बी टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। जब कभी भी इसको यूज करोगे तो साइन जरूर रखोगे, ठीक है, क्योंकि साइन रखने से मुझे पता चल जाएगा कि जो पहला या दूसरा वाला ब्लॉक है वो किधर जा रहा है, ठीक है। चलो यूज करोगे तो इसमें साइन जरूर पुट करोगे, पुट द साइन ड्यूरिंग पुट, ठीक है, पुट साइन, ठीक है, पुट साइन इसमें जब भी यूज करोगे इसको साइन पुट करोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, अगर ये याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। अब पुली किधर भी जा रही मुझे इससे मतलब नहीं है, अगर ये पुली मान लो 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जो 3 मीटर पर सेकंड से मान लो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक लगा हुआ है ये ब्लॉक ये किधर जा रहा है वो हम लोगों को नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, तो ये यहाँ से बताएगा, ठीक है। अब चलो ऊपर का डायरेक्शन मैं कन्वेंशनली पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऊपर का डायरेक्शन समझना इसको, ऊपर का डायरेक्शन मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है बोलो, प्लस 4 इज इक्वल टू वी वन, इसको अगर मैं वी वन मान लेता हूँ तो इसको मैं निगेटिव नीचे लूंगा तो ये माइनस 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 2, ये वाला ब्लॉक 2 इसकी वेलोसिटी वी टू ले लिया हूँ डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब आ जाएगा 8 और प्लस 3 इज इक्वल टू वी टू, तो वी टू आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस 11 मीटर पर सेकेंड। इस प्लस आया इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नीचे आएगा तो ये 11 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर कन्वेंशनली पॉजिटिव ले लिए थे, ठीक है, आप किधर भी मान सकते हो पॉजिटिव निगेटिव, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी इस इक्वेशन में पुली जो है वो सपोर्ट से अटैच हो, मतलब जो स्ट्रिंग होता है वो अगर ये मूव भी नहीं करता तो इसकी वेलोसिटी 0 रख देंगे, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी आपको दिखने को आ जाएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर मान लो ये पुली, ठीक है, पुली 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और ये यहाँ पर एक ये जो स्ट्रिंग है वो सपोर्ट से अटैच है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, अब वो ब्लॉक किधर जा रहा कितने से जा रहा वो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूँगा तो ये क्या कहता है, बी पी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू डिवाइडेड बाई टू, वेलोसिटी या पुली ऊपर मैं प्लस 4 ले लेता हूँ और वी वन इसको मैं वी वन इसको मैं वी वन मान लेता हूँ, ठीक है, तो वी वन को हमें निकालना, तो जो उसका निकालना होता है उसका साइन नहीं रखेंगे यार, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, तो वी वन इज इक्वल टू प्लस 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो प्लस 8 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, प्लस 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं लगा रहा हूँ सवाल को, ठीक है। तो ये आप इस दो आप इक्वेशन याद रखोगे, ये वाला एक इक्वेशन याद रखोगे, ये जो मैं पढ़ाया दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और सिग्मा टी डाटे, ठीक है, और एक इससे पहले इक्वेशन पढ़ाया था मैं कि अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड रिमेंस सेम, स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है स्ट्रिंग के अलोंग। तो ये 3-4 रिलेशन यूज करके आज हम अपने लेक्चर के न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। चलो प्रैक्टिस करते हैं, चलो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, ये वाला करते हैं पहले, ठीक है, चलो।